दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि पोस्टर की डिजाइन कैसे बनाते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं और किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरह से प्रिंटिंग प्रोसेस में लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो इसके मुताबिक आज मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूँ और ये एक मैं सीरीज बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में ये बना के दिखाना, पोस्टर पूरा बना के दिखाना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि शुरू कैसे करते हैं, पोस्टर बनाने के लिए शुरुआत कैसे करते हैं कि एक क्रिएटिव, एक खूबसूरत, एक अच्छा पोस्टर बनाया जाए। तो वो हम चल के देखते हैं। जो कुछ मुझे बताना है तो मैं बताऊंगा ही, साथ साथ में अगर इसको और अच्छे से सीखना है तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए। वो 1 नवंबर 2022 से मेरी क्लास शुरू है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और देखिए और मेरी वीडियो पूरी देखा करें, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या है। जैसे पोस्टर बनाने के लिए बैठे हैं तो पहला स्टेप क्या है वो हम देखते हैं इसमें, ठीक है। पहला स्टेप मैंने क्या किया, सबसे पहले आप डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। खास तौर से उर्दू पोस्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले किस चीज की, बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। तो बॉर्डर हम कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल आप नए नए इस फील्ड में, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है। पोस्टर बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है और आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है बॉर्डर की। तो मैं सबसे पहले आज इस वीडियो में सिर्फ बॉर्डर के बारे में ही बताऊंगा, आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। तो बॉर्डर आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पर्सियन बॉर्डर डिजाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, पर्सियन बॉर्डर डिजाइन मैंने टाइप किया, ये गूगल पे मैंने टाइप किया। तो इसका जो इमेज वाला व्यू है, इमेज वाले व्यू में कुछ इस तरीके की इमेज हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो इसमें कुछ ऐसी साइट है, कुछ हद तक कुछ चीजें वो हमें फ्री में मिल जाती हैं, वेक्टर मिल जाती है ईपीएस फाइल के रूप में, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमें चाहिए होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है जो हमें चाहिए होता है वो चीज नहीं मिल पाती है। तो अभी मैं चल रहा हूं आपको बना के ये दिखाऊंगा, या कि आपको ये तरीका बताऊंगा कि जैसे ये इमेज है, इमेज से कैसे हम बॉर्डर को कैसे बना सकते हैं इमेज से। बाकी बहुत सारे वो आपको मिल जाएंगे, साइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जैसे वेक्टीजी है, यहाँ से भी फ्री में मिल जाता है, फ्री पिक से भी फ्री में मिल जाता है, बाकी और किसी साइट से जल्दी से मिल नहीं पाता है, ऑल फ्री डाउनलोड से भी मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैंने ये की लिखा तो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है पिंटरेस्ट, ठीक है ना, पिंटरेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इस पर जो इमेज मिलती हैं वो बिल्कुल फ्री मिल जाती हैं। आप देखेंगे इस तरीके, जैसे हमें जो है ना थोड़ा इस्लामिक बॉर्डर चाहिए, पर्सियन बॉर्डर चाहिए, तो इस टाइप के बॉर्डर जो है हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर ये सारी चीजें लेना है, और हाँ साथ साथ में ये भी बता दूं, देख लीजिए कि इन चीजों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस टाइप से जो डिजाइन बनी हुई है इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर चाहें तो यहीं से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपको डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे गए, आप अगर चाहें तो यहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इस सेव एज इमेज करके डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज में ले सकते हैं। तो अब वो भी ले करके, अभी डाउनलोड करके मैं यूज करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ ना जा करके आप सबसे पहले देखा करें कौन से साइट से लिया गया है, तो आप यहाँ साइट पे जाया करें। साइट पे गए, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस पे भी क्लिक करेंगे, देखेंगे तो बड़ी HD क्वालिटी है, देख रहे ना, बिल्कुल HD क्वालिटी है ये। अगर वहां से डायरेक्ट लेंगे तो वो HD क्वालिटी नहीं आएगी, इसे देख लीजिए बिल्कुल HD क्वालिटी आ गई। तो आप इसको कॉपी करेंगे, इसको हमने इसे सेव कर लिया, ठीक है, ये सेव कर लिया। अब इसको चाहें तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी से रिलेटेड और भी कोई इमेज देख लीजिए, कोई और फोटो देख लीजिए, जैसे ये है, कोई भी आप देख लीजिए जो आपको सही लगे, मान लीजिए ये करते हैं, फिर इसमें जाते हैं। लेकिन ये पर्सियन कैलीग्राफी डॉट ऑर्ग लिखा है, इसमें तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिजाइनें होती हैं, लेकिन यहाँ से आप कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ से पाएंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ जाने से, ठीक है ना। और देखिए इसका रेजोल्यूशन भी बेकार सा आ रहा है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। या यहाँ से आपको नहीं अच्छी लगी तो यहाँ लिखिए तुर्किस बॉर्डर डिजाइन, मैंने लिखा तुर्किस बॉर्डर डिजाइन, ठीक है। अब आप यहां चलेंगे, जैसे ये है, या जैसे ये है, ये आपको लेना है, यहां से आप कॉपी कर लीजिए,
यहाँ से कॉपी कर लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से ना अगर आप ढूंढेंगे तो इसमें बहुत तरह तरह की आपको डिजाइनें मिल जाएंगी, बहुत तरह तरह की डिजाइनें। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप जो है पिंटरेस्ट से जाके या कि गूगल से जाके जो आपको सही लगे इसमें से कोई भी एक इमेज ले लीजिए। अगर आपको ये पूरा पूरा बॉर्डर नहीं मिला, जैसे ये वाला मिल गया है, यही मिल गया है ना, इससे भी आपका काम हो जाएगा। मैं यही वाला यूज करके अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनाया जाता है ये। एक ये भी डाउनलोड किया था, चाहे इसको यूज करके बना के दिखाता हूँ, दोनों में से कोई भी, चाहे ये यूज कर लेता हूँ चाहे ये यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे गए, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप जो गूगल से जाके किस तरीके से आप बॉर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप जाएंगे। और बाकी आप मेरी क्लास ज्वाइन करेंगे तो इसको मैं और डिटेल से बता दूंगा, जो भी मटेरियल मेरे पास है मैं वो भी आपको दे दूंगा। तो मैं ये दिखाता हूँ कि जैसे ये एक एलिमेंट मिल गया, ठीक है ना, बॉर्डर का एलिमेंट मिल गया। अब इसको यूज करके हमें अपना बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो इसको बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जैसे आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से साइज में बनाना है। जैसे मेरे पास एक आया है, आपको दिखाता हूँ, ये पोस्टर बनने के लिए आया है, ठीक है, ये पोस्टर बनने के लिए आया है। तो यही पोस्टर मैं बना के दिखाऊंगा, तो उसमें मैं कैसे यूज करूंगा। ये है 12-18 साइज में है, ठीक है, 12-18 साइज में हमें पोस्टर बनाना है। तो मैं ये कोरल 17 है, मैं 13 में चल के करके दिखाता हूँ, ये 12-18। और इसमें जो आप बॉर्डर बनाएंगे ये पूरा 11.5 ले लीजिए और 17.5 ले लीजिए, ठीक है। इसी के अंदर अंदर हमारा ये डिजाइन बनके तैयार हो जाएगी। अब इसको हमें यूज करके बॉर्डर बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज है। और ये हमें देखना है कि इसकी जो विड्थ ना, इसकी विड्थ जो है आधा इंच से ज्यादा ना होनी पाए। बहुत ज्यादा ऊंचाई हो जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता है वो, ठीक है ना, सिर्फ वही हाईलाइट होता है, बाकी मैटर जो है दब जाता है, यही बॉर्डर ही हाईलाइट होगा। तो जहां जैसे जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से करते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं, अगर डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो जो ये साइज दिखा रहा है ये भी काफी है। अगर इसको हम पूरा 0.5 ले लेते हैं, 0.5, चलिए देखते हैं 0.5 में क्या होता है, इसे मुझे ज्यादा लग रहा है तो इसको हम 4 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको 4 करने के बाद इसको हमने क्या किया, हमने किया L दोनों को सेलेक्ट करके और फिर T कर दिया, यानी टॉप कर दिया। तो अभी भी ना ये इसका बाउंडिंग बॉक्स जो है यहां तक दिखा रहा है, यानी जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम चाहे तो डिलीट कर दें या यहां से इसे कट कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं। ये JPG फाइल्स में दिखा रहा हूं आपको, यहां से ऐसे हमने कट कर दिया, ठीक है। इसको हटाते हैं, फिर यहां से भी देख लेते हैं, एकदम एज से कटिंग होना चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां भी एकदम एज से कटिंग होना चाहिए, इधर भी देख लेते हैं, अब टी करते हैं, देख लीजिए बिल्कुल इसमें चिपक गया है ना। अब क्या करना है आपको कि यहां पर एक जो है इसे गाइड ले लेना है, ठीक है, गाइड ले लिए, इसको पी दबा दी, पी प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब इधर से भी ऐसे कर देना, फिर इसको भी पी कर देना है, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों सेंटर में हो गया। अब हमें इतना बड़ा ही बॉर्डर बनाना है, बाकी कॉपी करके हम बना लेंगे। अब इसको यहां लेते हैं, अब हम चलते हैं ट्रांसफॉर्म की तरफ, ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पे ये वाला क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म ये पता है ना कहाँ से आता है, ये आता है अरेंज में जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे पोजीशन Alt F7 से आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हर वर्जन में होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ 13 में है। तो यहाँ से हम एक एक करके ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ तक ले आए, ठीक है। अगर इसके बाहर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको उसका भी हल निकालेंगे। अगर आप चाहें तो इसका ये जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट, सेंटर से थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, जो इसका ये वाला एरिया है इसका, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ऐसे दबा देते हैं, दबाने के बाद ये ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ व्यू में जा करके ये जो स्नैप टू ऑब्जेक्ट कर ले, सॉरी स्नैप टू ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि हम करते हैं स्नैप टू गाइडलाइन, और एक जो है इसे एक वो करेंगे, एक गाइडलाइन जो है इसी में चिपक गया, ये इससे जो है गाइडलाइन मतलब स्नैप करने से इसी गाइड में जाके चिपक गया, कहीं इधर उधर नहीं करना पड़ा। इसको सिलेक्ट रखते हुए अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ये ट्रिम कर दीजिए, आप यहाँ से हट गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है ये देखना है, अब इसको हमने क्या किया, इसको चाहे ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप कर लिया, यहां से कॉपी किया, ऐसे ड्रैग करके राइट क्लिक कर दिया,
और यहां इसको इसे घुमा दिया मैंने, ये घुमा दिया ठीक है, इसको यहां लेके आए, लेकिन इसको घुमाने के बाद यहां से 90 डिग्री पर ये वाला जरूर करना है, ये मिरर साइड जरूर करना है, ऐसे ये जरूर घुमाना है, ये ध्यान रखना। इसको जो है यहां लेके आएंगे, इसको एल करेंगे, एल किए फिर टी कर दिए, टॉप हो गया। अब क्या करना है, इसकी विड्थ कितनी थी, अच्छा विड्थ थोड़ी सी कम हो गया, यहां पे इसकी विड्थ की कॉपी कर लेंगे 0.366 ठीक है, यहां कर लेते हैं इसको हटा करके 0.366, फिर वहां भी कर लेते हैं वही सेम, बिल्कुल ये एक स्क्वायर बन गया। जब ये स्क्वायर बन गया इसको क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू कर दिया हमने, कंट्रोल क्यू किया, एक तरफ से कोई एक कॉर्नर इसका इसे डिलीट कर दीजिए, ठीक है डिलीट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट रखते हुए इस बॉर्डर को जो हमने बॉर्डर ड्रॉ किया था इस पे हम क्लिक करेंगे, तो इसको हमने किया एल किया यानी लेफ्ट हो गया, फिर टी किया टॉप हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला सिलेक्ट रखते हुए, ये वाला सिलेक्ट रखते हुए आपको करना है, ऐसे किया मैंने और ऐसे किया, ये इस तरीके से आ गया, देख लीजिए कैसे हो गया ये, ठीक है यही से करना है आपको, मिरर से करना है ये, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट रखते हुए ये वाला सिलेक्ट रखना है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन सिलेक्ट रखना है, इसको करना है हमें यहां से ये ट्रिम करना है, ट्रिम कर दिया, फिर अभी कुछ दिखा नहीं, अब यहां चलेंगे और यहां चलेंगे, ऐसे कर दिया, ऐसे करने के बाद आपको ये सिलेक्ट रखना है, ये वाला सिलेक्ट रखना है, फिर इसको ऐसे कर दिया, अब देख लीजिए कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हो गया, ये इसका कहने का मतलब इसका कॉर्नर जो है कितना प्यारा कितना खूबसूरत बन गया। और यहां देखेंगे, कंट्रोल यू कीजिए, कंट्रोल यू करने के बाद यहां आइए, अब इस सबको पूरे को हमने ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद आप इसको कंट्रोल पहले प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद में ये ड्रैग करके इधर लेके आएंगे, राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक कर दिया। अब दोनों जो है इसको फिर ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप करने के बाद पहले कंट्रोल प्रेस कीजिए, तब इसको पकड़ करके इधर लेके आइए, ऐसे कर दीजिए, लीजिए भैया आपका बॉर्डर बनके तैयार हो गया, और कितना बेहतरीन कितना खूबसूरत, देखिए कहीं जरा से भी कोई कमी नहीं दिख रही है इसमें, चाहे जहां आप देख लेंगे कहीं भी आपको कमी नजर बिल्कुल भी नहीं आएगी। किस तरीके से बॉर्डर बनके तैयार हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, बॉर्डर बना के दिखा दिया। ऐसे धीरे धीरे सारी चीजें मैं बना के दिखाता रहूंगा, और एक बॉर्डर में और बना के दिखाता रहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए इस टाइप से मैंने दिखाई दिया कि ये कैसे यूज करेंगे, ये भी बना के दिखा देता हूँ, इसका ऊंचाई जो है 5 हो गई है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इसको यहाँ पे कीजिए, इसको यहाँ हटाइए, और इसको हम लेके यहाँ आते हैं, आप यहाँ देखेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है 0.5 है, और एल कर दिया, टी कर दिया, नहीं टॉप कर दिया, लेकिन टॉप करने से बात नहीं बनी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, चाहे इसे कट कर लीजिए, चाहे ऐसे शेप टूल से हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसकी ऊंचाई जो भी है यहां से अभी कॉपी करना पड़ेगा, अब इसको हम कर रहे हैं यहां ऐसे, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप चाहे थोड़ा सा और इसको छोटा कर दीजिए, क्योंकि इसमें रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये स्नैप हो गया, स्नैप होकर उसी में चिपक गया जाके। और अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप करने के बाद यहाँ लेके आए, राइट क्लिक किए, कॉपी हो गया, फिर इसको घुमा दिए, घुमाने के बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट रखते हुए यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, लेफ्ट किए यानी एल, फिर टी कर दिया, और फिर उसके बाद में एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इसकी ऊंचाई जो है दोनों तरफ ऐसे कॉपी करके डाल देंगे, यहाँ गए यहाँ गए, कॉपी करके डाल दिया, और इसको कंट्रोल क्यू कर दिया, कंट्रोल क्यू करके इसको हमने डिलीट कर दिया, डिलीट करके इसको सेलेक्ट रखते हुए ये वाला करके ये वाला करना, ठीक है ना। तो इसको हमने एल किया यानी लेफ्ट में, फिर टॉप में किया। तो आप चाहे पहले ऐसे ही डायरेक्ट कर ले, इस वाले को कट कर ले, अच्छा इसको पहले हमें घुमाना था, ये ध्यान रखना, यहां से हमने ऐसे घुमाना था, घुमा दिया, फिर उसके बाद में इसको हमने सेलेक्ट किया, पहले इसको सेलेक्ट किया यानी इस ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद में शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, और यहां से मैंने कर दिया ट्रिम, ट्रिम कर दिया, फिर यहां चलेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, ये अब ये जो है बनके आपका बिल्कुल तैयार हो गया। अब देखिए कितना खूबसूरत बॉर्डर बन गया ये, है ना।
अब जो है थोड़ा सा इसको आप अनग्रुप करके इसको यहां तक बढ़ा सकते हैं, नीचे तक ले आइए। ये हो गया। अगर आपको लगे कि ये जो है इधर से छोटा हो रहा है हल्का सा, तो इसको चाहे आप इसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ग्रुप कीजिए, पहले कंट्रोल प्रेस करके ऐसे करके यहाँ लेके आते हैं, फिर इसको ग्रुप करें, इसको ग्रुप करें, यहाँ लेके आए। ये आपका बॉर्डर बनके बिल्कुल तैयार हो गया। देख लीजिए कितना जल्दी, कितने आसानी से बॉर्डर बनके तैयार हो गया। तो मैंने क्या बताया कि कहाँ से गूगल से आपको लेना है, ये इमेज फाइल से मैंने बनाया था, इससे भी रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंटिंग में फर्स्ट क्लास आएगा। मैं बहुत बार प्रिंट करवा चुका हूँ इसे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल सही से समझ में आया होगा, और इसको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी क्लास जरूर ज्वाइन करें। इस तरीके की टेक्निक मैं बताता रहूंगा, फिर मैं बना के दिखाऊंगा, ये पोस्टर बना के दिखाऊंगा, एक एक चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। पहले अभी बॉर्डर बना के दिखा दिया, फिर अभी बना के दिखाऊंगा कि जिसे आपको दिखाऊं मैं, जैसे कोई फ्रेम होता है, फ्रेम जैसे जो टेक्स्ट फ्रेम होता है जो लिखते हैं ना, जिसमें उस नाम वगैरह लिखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये है, ये सारी चीजें कैसे बनाई जाती हैं, जैसे ये है, ये कैसे बनाई जाती है, ये कैसे बनाई जाती है, या ये कहाँ से डाउनलोड किया जा रहा है, डाउनलोड भी किया जाता है ये, तो ये सारी चीजें मैं सारी बारीकियां मैं बताऊंगा कहाँ से कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।